हाय गाइस, दिस इज अंशुमन एंड भाई आज की वीडियो जो डेडिकेटेड होने वाली है वो है रजत दलाल वर्सेज राजवीर फिटनेस के बारे में। एंड बेसिकली भाई आप सब लोग इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में जानते होंगे। हाँ भाई, आज जो इनकी कंट्रोवर्सी थी भाई वो होने वाली थी रात 2 बजे। एंड मुझे पता है कि भाई इन दोनों की कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी, बट भाई हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे यार। तो बेसिकली भाई जो इनकी कंट्रोवर्सी थी भाई वो स्क्रिप्ट, अरे सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार। तो भाई जो इन दोनों की कंट्रोवर्सी थी मतलब कि भाई वो आज 2 बजे आने वाली थी, एंड उससे पहले भाई रजत को यार उठा लिया गया भाई पुलिस ने, ऐसे भी होता है भाई गई। एंड उसके बाद भाई लिटरली जो कि रजत दलाल है भाई उनको यार लिटरली पुलिस ले जाती है, एंड एक सिर्फ एक छोटी सी रील की वजह से। तो भाई आखिर वो है थी कौन सी रील भाई जो इस स्क्रिप्टेड यार लड़ाई में आ गई? भाई मैं पता नहीं यार बार बार क्यों स्क्रिप्टेड बोला जा रहा हूँ। एंड भाई मैं आप सबको यार एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ भाई लिटरली जो कि यार स्क्रिप्ट है यार। भाई पता नहीं यार मैं क्यों बार बार स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं आप सबको उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ भाई, लिटरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए भाई आप लोग यार। ओ भाई इसे बंद कर, बेलो की हम घर पे बैठे हैं। एंड ऑल्सो गाइस जो यार मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया जिसमें भाई जो कि रजत दलाल है भाई वो इस वाली छोटी सी वीडियो के लिए मांगते हैं अपोलॉजी। एंड साथ में भाई जो कि इनकी छोटी सी वीडियो थी भाई अभी के टाइम पे इनकी हो चुकी है बेल। भाई मुझे पता है कि यार आप सभी को पता है कि कॉन्ट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी भाई, कोई यार प्लीज यार क्या ही बताऊँ मैं आपको। एंड साथ में भाई जो कि है यार ये रजत दलाल भाई वो सबसे सॉरी मांगते हैं भाई जो कि उनकी यार कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी भाई, कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ हुई थी यार। एंड साथ में भाई वो सबसे सॉरी मांगते हैं एंड साथ में अपने सारे सब्सक्राइबर और साथ में फॉलोवर्स थे, क्योंकि भाई वो कह रहे थे कि जो कि यार ये कॉन्ट्रोवर्सी है भाई मैं इसको बंद करूंगा एंड कुछ दिन बाद सोशल मीडिया से मैं बाहर आ जाऊंगा। तो भाई वो क्या कुछ बोलते हैं भाई इसका रिगार्डिंग यार मैं आपको दिखाता हूं यार छोटा सा। राम राम, मैं रजत दलाल, मेरा भाई राजवीर सिसोदिया का आपस में एक फाइट का चैलेंज था, एक जिसमें मेरे द्वारा एक व्यक्ति विशेष को कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं, एक धमकी की वीडियो भी गई हुई है जो कि मेरी नादानी की वजह से हुई है। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से झज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करी है और मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि कुछ भी अशांति का हो और किसी भी चीज का उल्लंघन हो। परंतु मेरे द्वारा कल एक स्टोरी डली जिससे इसका उल्लंघन हुआ और मैं उसके लिए अपनी गलती मानता हूं और आगे भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि आपसी मनमुटाव बढ़े और मतभेद हो। मेरे द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी उल्टा सीधा बोला गया है भाई, कहीं भी गाली गलौज हुई हो या कोई भी अपशब्द गए हैं, तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। मैं कानून का सम्मान करता हूं। कुछ समय के लिए मैं सोशल मीडिया से दूरी बना रहा हूं, मेहरबानी होगी अगर मेरा ऑल्सो गाइस सबके टाइम पे इस वाली कंट्रोवर्सी काफी यार रील शेयर हो रहे हैं एंड सब भाई लोग यार इस वाली कंट्रोवर्सी को स्क्रिप्ट वगैरह ही बोल रहे हैं। तो देखो यार आप लोग एक छोटा सा स्क्रिप्ट मीम जिसमें मेरे द्वारा एक व्यक्ति विशेष को कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं, एक धमकी नादानी की वजह से हुई है। ऑल्सो गाइस भाई इस मीम का मतलब ये था कि अभी के टाइम पर रजत दलाल को भी भाई जेल हुई एंड साथ में एलविश यादव को भी जेल हुई। बट एलविश यादव को क्यों जेल हुई अगर आपको वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो भाई मैं आप सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नहीं होता है तो आप लोग भाई डायरेक्टली जाकर यार चैनल पर भी देख सकते हो। एंड आप लोग भाई बैकग्राउंड पे यार थंबनेल देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए गाइस भाई आज के लिए मेरे को जो अपडेट्स मिले थे, अगर आपको अपडेट पसंद आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना यार, भाई एक सेकंड लगता है यार कर दो ना। तो मिलते हैं जल्दी आपसे कल शाम 5 बजे, बाय। और हमारे डेली अपडेट आते हैं 5 बजे, बाय।